गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फोर्थ। आई होप यू ऑल विल बी सेफ एट योर होम। टुडे वी विल डू सम अदर क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5E। ओके, बचे हुए क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नाम, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अपनी बुक में, देखिए सब लोग 62 पेज नंबर में। फ्रॉम वन रोल ऑफ फिल्म आई कैन गेट 24 एक्सपोजर्स, मतलब फोटोज। हाउ मेनी रोल्स डू आई नीड टू टेक 3600 फोटोज, मतलब एक जो रोल होता है जो हम कैमरे में रील डालते हैं ना रोल, उसमें एक कितने फोटोज निकलती हैं, उससे 24 फोटोज खींची जा सकती है। तो आपको बताना है कि 3600 फोटोज खींचने के लिए कितने रोल चाहिए फिल्म के, और रोल कितने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें कभी भी ज़्यादा की, जैसे हमें ये दे रखा है 24 एक्सपोजर्स, मतलब फ़ोटोज़ कितने से वन से खींची जाती है। तो आपको फ़ोटोज़ दे रखे हैं, ये भी फ़ोटोज़ हैं। तो हम कभी भी, हमें रोल्स निकालना है या कोई ऐसी चीज़ निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 24 से 3600 को डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस। देख रहे हैं आप बोर्ड में, सी हियर, फोटोज़ कैन गेट फ्रॉम वन रोल इक्वल्स टू 24। सो रोल्स नीड टू टेक 3600 फोटोज इक्वल्स 3600 डिवाइडेड बाय 24। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ टू। आगे वाले नंबर की 2 1 2 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 24 1 24 गैस करने के लिए आप आगे का नंबर ही, आगे की नंबर की टेबल ही पढ़ेंगे। ओके, 6 - 4 = 2 1, और यहाँ पे हमारा 0 आ गया। नाउ रीड द टेबल ऑफ 2 2 6 = 12, लेकिन हम 2 6 करेंगे तो 4 6 भी करना पड़ेगा, तो हम 6 नहीं करके हम इसको 5 करते हैं। 24 5 करके देखते हैं हम। 120 हो गया, तो 5 120, और 0 रेस्ट बचा, हमारा बचा है तो हमारा यहाँ पे उतर जाएगा। यानी कितने रोल चाहिए, 150 रोल्स चाहिए हमें। ओके, नाउ वी नीड 150 रोल्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 5। सी हियर, इफ 63650 ब्रिक्स वर यूज टू मेक अ हाउस, मतलब एक हाउस बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, ईंट कितनी चाहिए, 63650, और एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स आती हैं, 950। वन ट्रक कंटेन 950 ब्रिक्स, मतलब एक ट्रक में टोटल कितनी ब्रिक्स आती हैं, 950। हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वर ऑर्डर्ड, कितनी ऑर्डर दिया जाए, कितने ट्रकों को ऑर्डर दिया जाए, ये बताना है। तो आपको ये बताना है कि कितने ट्रक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एक ट्रक में ब्रिक्स आ रही है उसको डिवाइड करेंगे, टोटल जो ब्रिक्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। ओके, उसको डिवाइड। नाउ सी हियर, हाउ आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, अ ट्रक कंटेन ब्रिक्स इक्वल्स टू 950, मतलब एक ट्रक में ब्रिक्स आती हैं इतनी। ब्रिक्स यूज टू मेक अ हाउस, घर बनाने के लिए इतनी ब्रिक्स चाहिए। ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वर ऑर्डर्ड, कितने ऑर्डर दिया गया ये बताना है, कितने ट्रक को ऑर्डर दिया। तो 63650 डिवाइडेड बाय 950 से डिवाइड करेंगे हम। ओके, नाउ वी विल डू डिवाइड हियर। सी हियर, 950 से हमें 63650 को हमें डिवाइड करना है। नाउ रीड द टेबल ऑफ 9 in 63। 9 7 = 63 होता है, बट वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 5 ऑल्सो, यानी कि 950 पूरे की टेबल हमें करनी पड़ेगी। तो हम 7 नहीं करके 6 करेंगे, यानी रफ में यहाँ पे 950 का हम 6 करके देखेंगे। 0 6 5 = 30 कैरी ओवर 3, 6 9 = 54 प्लस 3 57, तो ये आ गया। हम इसको उतारेंगे, 6 टाइम करेंगे, 5 7 0 0। ओके, नाउ सी हियर, 6 हमारा ये आया, हमने माइनस करा, 3 में से 7 माइनस नहीं होता, वी हैव टू टेक 1 बोरो, 13 इज देयर, 13 - 7 = 6, 5 - 5 = 0। नाउ सी हियर, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, योर रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजर से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा छोटा होना चाहिए। अब हम 0 उतारेंगे। नाउ रीड द टेबल ऑफ 9, देख रहे हैं 66 है, तो हम फिर अगेन इट विल डिवाइडेड बाय 9 7 = 63 होता है, हम 7 टाइम करके देखते हैं, 950 को 7 टाइम करके देखते हैं, 7 5 = 35 कैरी ओवर 3, 9 7 = 63 प्लस 3 66, पूरा गया, 7 टाइम चले जाएगा हमारा, 6 6 5 0 क्रॉस आ गया, दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। नाउ सी हियर, हाउ मेनी ट्रक्स आर रिक्वायर्ड, 67 ट्रक्स आर रिक्वायर्ड।
नाउ सी द आंसर इज 67 ट्रक्स वर ऑर्डर्ड. कितने ऑर्डर किए गए? 67 ट्रक्स ऑर्डर किए गए. ओके नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू सिक्स क्वेश्चन. ओके 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव स्पेंड 17,498 एवरी डे ऑन कन्वेंस. फाइंड द कन्वेंस एक्सपेंस ऑफ ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव. आपको बताना 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने मनी इन्वेस्ट करते हैं डेली, कितने स्पेंड करते हैं 17,498. तो आपको ये बताना है कि हर एक व्यक्ति कितने रुपए स्पेंड करता है, कितने रुपए स्पेंड कर रहा है. तो वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे. ओके तो हमें इसको इस नंबर को हम 17,498 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि हर एक एग्जीक्यूटिव कितने रुपए खर्च कर रहा है. ठीक है अब मैं क्वेश्चन 7 रीड करने जा रही हूँ. फोर फ्रेंड्स आर शेयरिंग अ फ्लैट. फोर फ्रेंड्स जो है शेयर करते हैं किसी फ्लैट को. देयर टोटल एक्सपेंस फॉर जनवरी इज 2,928. हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूट. नाउ यू हैव टू टेल ईच फ्रेंड हाउ मैनी मनी कॉन्ट्रीब्यूट. हर एक फ्रेंड ने कितनी मनी कॉन्ट्रीब्यूट करी. फोर जनों ने इतनी करी तो एक निकालने के लिए इस नंबर को हम फोर से डिवाइड कर देंगे. चार जनों ने जनवरी में कितने रुपए एक्सपेंड किए, 2,920. तो आपको ये बताना है कि हर एक फ्रेंड ने कितने कॉन्ट्रीब्यूट किए, मतलब कितने रुपए दिए. तो हम फोर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूट मनी आ जाएगी हर एक की. ओके तो इस तरह से सॉल्व करेंगे. अब हम एक्सरसाइज 5F करने जा रहे हैं. नाउ सी हियर एक्सरसाइज 5F. इसमें हमने क्या करना है, वर्क आउट एंड टेल द टोटल अप्रोक्सीमेट. आपको अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या, एस्टिमेशन ही है, एस्टिमेट वैल्यू जो हमने अभी तक करी थी. देखिए 48, 76, 38 किसके नियरेस्ट है बेटा. देखिए 48 50 के नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट तो है नहीं. 76 किसके नियरेस्ट होगा, 80 के नियरेस्ट होगा. और 38 किसके नियरेस्ट होगा, 40 के नियरेस्ट होगा. तो हमें ऐसी इसके एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट कहते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पे एक्चुअल सम का वर्क देख रहे हैं, 48 प्लस 76 प्लस 38 हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एक्चुअल सम करा और यहाँ पे एस्टिमेटेड सम करा. तो यहाँ देख रहे हैं 48. आप जैसे हम 48 लिख यहाँ पे हमें ये 40 और ये 50 है, देख रहे हो 40 और 50 है. तो हमारा 48 कहाँ पे आएगा, 40 के बाद यहाँ पे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. तो मैं बीच में 5 के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे ये हो गया. तो ये 50 के नियरेस्ट होगा, 48 यहाँ पे है देख रहे हैं. तो किसके नियरेस्ट है, 50 के. तो जिसके नियरेस्ट होता है वो उसका एस्टिमेट सम होता है. लगभग 50 के पास आ चुका है देख रहे हैं. और 76 किसके पास में आ गया, 80 के. 70 के पास में तो नहीं है, 80 के पास में देख रहे हैं. ऐसे 30 के पास में नहीं है, किसके पास में, 40 के पास आ चुका है. तो इसे ही जिसके नियरेस्ट होता है उसी को हम कहते हैं एस्टिमेटेड सम कहते हैं. अब हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है. देखिए ऐसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है बाय नियरेस्ट 10. तो हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, 368 नियरेस्ट 10 ऑफ 368 का नियरेस्ट 10 देख रहे हैं. 68 किसके नियरेस्ट है, 70 के. तो हम 370 कर देंगे. ऐसे ही 199 किसके नियरेस्ट है, देखिए 199 किसके नियर 99 किसके नियरेस्ट है, 100 के. तो हम 100 तो लिखेंगे यहाँ, 100 है तो 2 हो जाएगा, 200 के नियरेस्ट हो गया. अब इनको माइनस कर लेना है आपको, ठीक है. 071 तो हमारा आंसर आ गया 170. इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. 189 माइनस 99 है. तो 189 किसके नियरेस्ट है बेटा, 89 90 के नियरेस्ट है तो 190 कर लेंगे इसको. और 99 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है तो हम 100 कर लेंगे. हम इसको माइनस कर लेंगे. ओके सी है नियरेस्ट टेन ऑफ 189 नियरेस्ट टेन ऑफ 99 100 तो हम इनको माइनस कर लेंगे, 90 आ गया. ओके लाइक दिस वी हैव टू डू. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल द करेक्ट आंसर. आपको ये जो आंसर दे रखा है इनमें से सर्किल करना है. वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी बेटा. आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको सर्किल लगा देना है. देखिए मल्टीप्लाई करा, 6 6 36 कैरी ओवर 3, 6 7 42 प्लस 3 45. तो हमारा ये सर्किल लगा दिया बस. बाकी सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं देखिए बुक में. इसमें भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 कैरी ओवर 2, 5 5 25 26 27. तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, इसको हम सर्किल लगा देंगे. ऐसे ये भी कर लेंगे देख रहे हैं, 8 3 24 कैरी ओवर 2, 8 3 24 24 प्लस 2 26. तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है.
तो डिवाइड में भी देखिए, 6 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कौन सा आंसर सही है हमारा, कैसे हम करेंगे। पहले हम एस्टीमेट वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। 67 किसके नियरेस्ट है, सॉरी 76 किसके नियरेस्ट है, 80 के। 94 किसके नियरेस्ट है, 90 के। 64 किसके नियरेस्ट है, 60 के। उसके बाद आप हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 5Z। 5Z में क्या है देखिए बेटे, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स क्या है, जो हम ओड मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ओड मास है। ओ मीन्स होता है ऑफ, डी मीन्स होता है डिवीजन, एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए मीन्स होता है एडिशन, और एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी ओ लिखा है तो सबसे पहले हम ऑफ, कहीं पे लिखा है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बीच में भी ऑफ लिखा है उस नंबरों को। सबसे पहले ऑफ वाला करेंगे सॉल्व, फिर है डी डिवीजन करेंगे, कहीं पे भी डिवीजन होगा डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कहीं पे भी साइन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं, है तो हमारा पहले मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन हमें यहाँ पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको पहला स्टेप क्या है, डिवाइड। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 को हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम। तो हम इस प्लेस पे, हम ये दोनों नंबर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और 16 अपनी जगह पे रहेगा, 16 को अपनी जगह पे रखेंगे। अब 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू जा 32, तो ये आंसर हो गया। पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं बेटा, ओके। सी ये फर्स्ट स्टेप में हमें ऑफ करना है, तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिख लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 एट जब मल्टीप्लाई आप वैसे कर लेंगे 120। अब दूसरा स्टेप में हमारा डिवाइड है, तो हमारा डिवाइड क्या है, ये है। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके माइनस नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, ओके। सी ये डिवाइड करें, 19 थ्री जा 57, तो यहाँ पे ये ज़ीरो जो है आपका, ये ज़ीरो यहाँ उतर जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इस जगह पे हम नीचे क्वेश्चन जो लिखेंगे, देख रहे हैं ये ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, बाकी नंबर ऐसे ही चलेंगे। अब ये नंबर नहीं लिखेंगे हम, सॉरी ये तो अभी ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए 570 डिवाइडेड बाय 19 माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया वो लिखिए पहले, 120। अब इनको डिवाइड करके हमें क्या लिखना है, जो इनका आंसर आया 801 प्लस डिवाइड करके 30 आया, तो हम 30 लिखेंगे माइनस 120। अब हमारा एडिशन होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, एडिशन। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ओके। देखिए तीसरा स्टेप हमारा एडिशन आया, तो हमने इन दोनों नंबरों को प्लस कर लिया, और जो आंसर आया इसको हम यहाँ पे उतार देंगे 831। और लास्ट स्टेप होता है हमारा सब्ट्रैक्ट, ओके। तो लास्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इनको माइनस कर देंगे। देखिए 831 में से 120 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 118 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 711। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 711 इज द आंसर, ओके। सी हियर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, पहले आप डिवाइड देख रहे हैं, पीछे है लेकिन हम उसको सबसे पहले कहीं पे भी हो डिवाइड, सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे। स्टेप वन में हम डिवाइड करेंगे। नाउ सी हियर, रीड द टेबल ऑफ 2, 2 3 जा 6, तो हम 21 3 जा करके देखेंगे। देख रहे हैं 63 आ गया, हम इसको 3 टाइम लिखेंगे 63। नाउ 0, तो 0 बचा, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, 30 आ गया। तो हम यहाँ पे इस जगह पे, हम ये दोनों नंबर की जगह पे जो इसका आंसर आ रहा है आप वो लिखेंगे 30, और बाकी नंबर एज इट इज़ जैसे लिखे गए हैं बिल्कुल वैसे ही उतारे जाएंगे, ओके। ये देखिए अब हमारा दूसरे स्टेप बोर्ड मास में देख रहे हैं, मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप टू में, ओके। नाउ सी हियर, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 37,417। तो हम इस जगह पे यही नंबर उतार लेंगे 37,417 माइनस 30, इसमें से हम 30 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 711 माइनस 3 इक्वल्स टू 8, यहाँ 4 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 3337। द आंसर इज 37,387, ओके। ये हो गया आंसर। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे 9 की जगह पे यहाँ पे 7 लिख दिया, तो हमारे आंसर में डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, तो हम यहाँ पे 9 कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 9 63, इस तरह से इसको कर। नाउ सी हियर, आई हैव करेक्टेड, ये सही कर दिया है। अब यहाँ पे आंसर हमारा ये आ गया, ओके। नाउ यू हैव टू डू अदर क्वेश्चन योर सेल्फ लाइक दिस। इसी तरह से आप करेंगे, सबसे पहले कहीं डिवीजन है सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ओके। और ऑफ है तो हम सबसे पहले ऑफ वाली जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। नाउ योर चैप्टर 5 हैज़ बीन कंप्लीटेड, हैव अ गुड डे बेटा।